नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे किचन में, आकांक्षा की किचन में। और आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। उससे पहले मैं ये वीडियो डाल रही हूँ, लेकिन मकर संक्रांति वाले दिन मैं वीडियो नहीं डाल पाऊंगी, इसलिए आप सभी को एडवांस में हैप्पी मकर संक्रांति। और उसके लिए मैं एक वीडियो पहले शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ, मैंने उसमें तिल और गुड़ के सिर्फ लड्डू बनाए थे। आज हम तिल गुड़ और मूंगफली के लड्डू बनाएंगे, बिल्कुल सेम है और वैसे ही आसान बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे, आप चाहें तो इसमें घी ऐड कर सकते हैं, मैंने घी नहीं ऐड किया। आज हम बिल्कुल मीन्स हेल्दी तरीके से बनाएंगे और गुड़ को मेल्ट हो जाने देंगे, पानी भी नहीं ऐड करेंगे, घी भी नहीं ऐड करेंगे और गुड़ को सिर्फ मेल्ट करेंगे। जब तक कि हम गुड़ मेल्ट करेंगे तो उसके साथ साथ बाकी की जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने आपके लिए 100 ग्राम मूंगफली के दाने, इनको मैंने बिना घी बिना तेल के फ्राई किया था धीमी आंच पे, और इस तरीके से उनके छिलके उतार दिए थे, स्किन उनकी, और इस तरीके से इनको स्प्लिट कर लिया था जैसा कि आप देख रहे हैं। ये हम इसमें ऐड करेंगे और दूसरा हम तिल ऐड करेंगे। तिल को भी मैंने बिना घी बिना तेल के ही फ्राई किया था। इन्हें पहले मैंने 5 मिनट, जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर किया हुआ कि तिल को कैसे फ्राई करना है, आप उसको जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे गुड़ जो है मेल्ट होने लगा। गुड़ को हमेशा थोड़ा सा छोटा कर करके, अगर इस तरीके से आप बिना घी और बिना पानी के उसका गुड़ का चाशनी रेडी कर रहे हैं तो आप उसको जितना छोटा करके डालेंगे उतना आपके लिए इजी रहेगा, आसान रहेगा, क्योंकि गुड़ ऑलरेडी इतना पका हुआ होता है और उसको अगर आप ज़्यादा पका देंगे फिर वो एकदम स्टिकी हो जाएगा और फिर वो जैसा आप चाह रहे हैं वैसी चीज़ें आपकी सेट नहीं हो पाएंगी, ठीक है। तो गुड़ रेडी हो गया हमारा, मैंने आपको पानी में भी गुड़ डाल के लास्ट प्रीवियस वीडियो में दिखाया था, तो सेम वैसे ही, ठीक है। अब इसमें जो हमने मूंगफली के दाने और तिल लिया है, मात्रा आप घटा बढ़ा सकते हैं, गुड़ की मात्रा भी घटा बढ़ा सकते हैं। मूंगफली के दाने 100 ग्राम थे, तिल भी 100 ग्राम था और गुड़ यहाँ पे 200 ग्राम था, और इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे अच्छे से। उसके बाद इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे, और मैंने जो है फ्लेम अभी यहाँ पे बंद कर दी है गैस की, और इसको हम ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के लिए क्या क्या करेंगे, अभी कढ़ाई तो गर्म है लेकिन उसके लिए हम एक बर्तन लेंगे और बर्तन में इसको डाल के ठंडा कर देंगे। तो चलिए इसको हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक प्लेट में, फैली हुई जो प्लेट रहती है उसमें हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कितना डिलीशियस और टेस्टी लग रहा है, ऐसे ही बनते हैं। तो मकर संक्रांति की चीज़ें बहुत हेल्पफुल होती हैं और थोड़ा सा हेल्दी तरीके से बनाइए तो खाने में बहुत सही रहते हैं। तो हम इसको आप देख रहे हैं तो मिक्स करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गुड़ का जो टेस्ट होगा वो जब तक तिल और मूंगफली में नहीं आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ा सा इसको 2 से 3 मिनट बाद हम ऐसे ही गर्म कढ़ाई में इसको ऐसे आटे पलटेंगे और मिक्स करेंगे आसानी से। तो अब मैंने क्या किया, उसी पे मैंने इस तरीके से ये रख लिया है और इस पे हम एक थाली रख लेंगे, उसमें हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो इसको ट्रांसफ़र कर देंगे और आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हो अगर थोड़ा सा ठंडा हो जाता है या लड्डू नहीं बन रहे, तो थोड़ा सा इसको आप आँच पे रख दीजिए और हल्का सा बर्तन को गर्म कर लीजिएगा, तो फिर से आप इसको अच्छे से बना लेंगे। और आप इसमें जो हाथ ग्रीस करेंगे वो हम इसमें पानी से करेंगे, ना हम तेल से करेंगे ना हम घी से करेंगे, और इस तरीके से हम इसको स्प्रेड कर देंगे तो थोड़ा जल्दी ठंडा भी हो जाएगा और फटाफट से हम वैसे ही इसके लड्डू बना लेंगे। और मतलब हमें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा कि ज़्यादा ठंडा, क्योंकि ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो लड्डू अच्छे बंधेंगे नहीं, तो इसलिए लड्डू को अच्छे से बांधना है। तो इसको अच्छे से स्प्रेड कर लो फटाफट से, किसी की हेल्प ले लीजिए या खुद से जल्दी जल्दी से बना लीजिए। तो चलिए पहले हम लड्डू बना लेते हैं फटाफट से। अब देखिए ठंडा हो गया है अच्छे से, मतलब उतना अच्छा नहीं जैसा मैंने कहा, गुनगुना रहना चाहिए, गर्म रहना चाहिए हल्का सा, जो आपके हाथ सह जाए। तो आप देख रहे हैं लड्डू मैंने बांधना शुरू कर दिया, तो बहुत जल्दी से लड्डू बनते हैं। मुश्किल से ही सारा का सारा पूरा प्रोसीजर मुझे 10 से 15 मिनट लगा था बनाने में, तो हार्डली 10 से 15 मिनट में अगर इस तरीके की रेसिपी आपकी हो, मतलब घर के लड्डू रेडी हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो आप भी इस मकर संक्रांति में मेरी रेसिपी को देखिए और जैसे मैंने बनाया वैसे आप अपनी किचन में शेयर कीजिए, उसको बनाइए, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा कि, और बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए देखते हैं कितने अच्छे रेडी हुए, जैसा कि आप देख रहे हैं। आप अकेले मूंगफली के बना सकते हैं, अकेले तिल के भी बना सकते हैं, और आप चाहे इसमें लाही जो कुछ लोग मुरमुरे कहते हैं उसकी भी लड्डू इसी तरीके से बांध सकते हैं। तो ये बहुत आसान है, सिर्फ तरीका एक है कि गुड़ को आपको कैसे मेल्ट करना है और गुड़ की चाशनी कैसे रेडी करनी है। बाकी चीज़ें तो आप कुछ भी तिल गुड़ और ये तिल और मूंगफली के दाने हटा के कुछ भी ऐड करते रहिए, अलसी ऐड करते रहिए, कुछ भी ऐड करते रहिए, लेकिन मेन जो है चाशनी कैसे रेडी करनी है, उसमें आपको कैसे बांधना है वो पता होना चाहिए। तो बिल्कुल आप ऐसे करिए और हर तरीके के लड्डू आप जो मकर संक्रांति पर रेडी होते हैं उनको आप तैयार कर सकते हैं, अपने घर वालों को खिला सकते हैं और अपनी मकर संक्रांति को खुशियों के साथ मना सकते हैं।
तो आई होप दोस्तों आपको मेरी रेसिपी जो मैं शेयर करती हूँ पसंद आती है। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल पे अगर आपने जो अभी तक आपने नहीं किया उसको सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी किसी नई रेसिपी के लिए, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों और अगेन हैप्पी मकर संक्रांति।